Hello everyone welcome back to my channel so today we are going to discuss about the topic marketing communication सो लेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग कम्युनिकेशन दो वर्ड से मिलके बना है मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन सो फर्स्ट ऑफ मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है देखो कम्युनिकेशन एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी बार यूज करते हैं सो so, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है बात करना कम्युनिकेशन सिंपली मीन्स अ प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन फैक्ट इमोशंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पीपल कि जब दो और उससे ज़्यादा लोग आपस में बात करते हैं अपने इमोशंस को इंफॉर्मेशन को फैक्ट को शेयर करते हैं ट इज कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग क्या होता है अब एक ऑर्गेनाइजेशन है देखो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमेशा हमारे माइंड में आता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट है ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं तो मार्केटिंग होती क्या है मार्केटिंग का मतलब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बना रही है मान लो मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसके अंदर मैं बिस्किट बना रही हूं अगर मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करूंगी लोगों को यह बताऊंगी ही नहीं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मैंने भी इस्टेब्लिश कर रखी है जो इस तरीके की बिस्किट बनाती है तो वो क्यों खरीदेंगे ऑलरेडी जो मार्केट में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं बिस्किट के बहुत ज्यादा कंपनीज बिस्किट बना रही हैं तो वो उन्हीं से खरीद लेंगी बट मुझे उन्हें अवेयर करना पड़ेगा कि एक कंपनी ऐसी भी एग्जिस्ट करती है जो इस तरीके के बिस्किट बनाती है तभी तो वो खरीदेंगे अब आपको पता है कि पार्ले एक कंपनी है जो बिस्किट बनाती है आपको कैसे पता है उन्होंने कोई ना कोई मार्केटिंग की है तभी वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची है तो मार्केटिंग का मतलब क्या है अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो उसके रिगार्ड अपने टारगेटेड पब्लिक को जिसे आप चाहते हो कि वो सामान आपसे खरीदें, उन्हें उसके रिगार्डिंग अवेयर करना उन्हें इन्फॉर्म करना दैट इज मार्केटिंग सो मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या हुआ आपको जो मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट को अवेयर करने के लिए जो कम्युनिकेट करना है ताकि आपके जो कस्टमर हैं या फिर जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे दैट इज़ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पी ऑफ मार्केटिंग विच इज़ प्रमोशन हमने अपनी वीडियोज़ में अगर आपने वो वीडियोज़ देखनी है तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की अलग से प्ले बनी हुई है उसमें सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी तो मार्केटिंग के चार मेजर पी क्या होते हैं दैट इज प्लेस प्रोडक्ट प्राइज एंड प्रमोशन एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन हमारा ये वाला पी है प्रमोशन यानी कि सबसे पहले देखो ये फोर पीस को मैं ऐसे ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा उसका कोई ना कोई प्राइस होगा कहीं ना कहीं आप उसे बना रहे होगी और उसको सर्व कर रहे होगी उसे सर्व करने के लिए आपको उसका प्रमोशन करना पड़ता है लोगों को उसके रिगार्डिंग अवेयर और इन्फॉर्म करना पड़ता है तभी वो क्या करेंगे आपके प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे और ये फोर्थ पी ही क्या है इसी को हम क्या बोलते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन मार्केटिंग डिपेंड हैविली ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन अब आपने एक प्रोडक्ट बनाया ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो लोग आपके प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में डिपेंड करता है कि आपने कम्युनिकेशन कितनी अच्छी की है जितनी इफेक्टिव आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन होगी उतने ही ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की डिमांड होगी अब आपने अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट की है ब्रांड एम्बेसडर आपके काफ़ी हैं आपने बड़े बड़े शोज़ को स्पॉन्सर किया है तो इसका मतलब आपने ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑडियंस को क्या कर दिया है अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अवेयर कर दिया है कि हम भी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं सो so ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा होगी तो जितनी इफेक्टिव और अंडरस्टैंडेबल जो कम्युनिकेशन आप करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी प्रोडक्ट की डिमांड होगी इफेक्टिव फ्लो बिटवीन कंज्यूमर मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंक्लूड द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ कंपनी कि ये हर उस एक्टिविटी को इन्वॉल्व करती है जो आपके टारगेटेड जो ऑडियंस है उसे इंस्पायर करती है एनकरेज करती है आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मार्केटिंग देखो हमने चार पी देखे प्लेस का लोगों को अवेयर करने से कोई लेना देना नहीं प्रोडक्ट का नहीं है प्राइस का नहीं है तो कौन करता है प्रमोशन ही करता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर ही वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो किस चीज़ के रिगार्डिंग है कि आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को अवेयर करें इन्फ्लुएंस करें एनकरेज करें ताकि वो आके आपके प्रोडक्ट को खरीदें तो जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो ताकि आपका प्रोडक्ट बिके और आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑडियंस है वो उसको खरीदे सो दैट इज़ मार्केटिंग कम्युनिकेशन नाउ वट इज़ द नेचर ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन यू कैन कॉल इट फ्यूचर एज वेल सो इट इज़ अ कॉन्स्टेंट एक्टिविटी अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और आप मान लो बिस्किट बना रहे हो जो हमने एग्जाम्पल लिया था तो आपको क्या करना है आपने मार्केटिंग की मान लो और आपने एक एड दे दी अब वो एड एक महीने तक चली और उसके बाद आपने ऐड देना बंद कर दिया तो एक महीने में जितने भी ऑडियंस को आपने अवेयर किया उन्होंने आके डिमांड की बट क्या वो एक महीने की ऐड इनफ है उसके बाद आपने बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट कोई किसी तरीके की एडवर्टाइजमेंट नहीं कोई और प्रमोशन नहीं कुछ नहीं यूज़ कर रहे तो आपको क्या लगता है डिमांड कंटिन्यूस रहेगी या नहीं कुछ टाइम के बाद आपका प्रोडक्ट कस्टमर के माइंड से निकल जाएगा वो भूल जाएंगे कैसा प्रोडक्ट था तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है कॉन्स्टेंट एक्टिविटी आपको लगातार मार्केटिंग करने पड़ती है तभी डिमांड लगातार रहती है इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन में आप करते करते क्या हो हो तो शेयर अब ये ऑर्गेनाइजेशन बिस्किट बना रही है इसी चीज की इंफॉर्मेशन को तो उसने शेयर किया कि हमारे इतने इतने फ्लेवर के बिस्किट हैं उसका क्या प्राइस है आपने जैसी भी एडवर्टाइजमेंट की उस एडवर्टाइजमेंट से आप कन्वे क्या करना चाहते थे इन्फॉर्मेशन कोई तो ट्रांसमिट करता है ये देन डिफ्रेंशिएटिंग एक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आप लेके आए हो जो बिस्किट बनाती है और ऑलरेडी मोर देन फिफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पहले से मार्केट में है मान लो जो बिस्किट बनाती हैं अब आपकी ऐसा क्या नया है कि वो उनको छोड़ के आपके पास आए आपके बिस्किट को ख़रीदने तो आपको अपनी एड में आपको अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा रखना पड़ता है जो आपको बाकियों से अलग बनाए डिफरेंट बनाए कि आप ज़्यादा क्वांटिटी दे रहे हो ज़्यादा क्वालिटी दे रहे हो आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है आप एसोसिएटेड साथ में गिफ्ट दे रहे हो कुछ भी हो बट आपको वो डिफरेंशिएट बनाए और अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो तभी तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो आप उन्हें बताते हो कि किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनसे हम डिफरेंट हैं और आप हमसे आके प्रोडक्ट को परचेज करें तो ये डिफरेंशिएटिंग एक्ट है रिमाइंडिंग एक्ट है आप ऐड देखते हो ये सब लगातार कई बार आप देखना आप टीवी देखोगे ना तो आपको लगेगा लगातार एक ही प्रोडक्ट की एड आ रही है तो वो किस तरीके की ऐड हो सकती हैं बेसिकली वो ये तीन पर्पज़ के लिए होती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिमाइंडिंग के लिए ऐड करते हैं कि ताकि कस्टमर के माइंड से हमारा प्रोडक्ट का नाम निकले ही ना जब भी उन्हें वो चीज़ खरीदनी हो तो सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट ही उनकी माइंड में आए तो अपने आप अपने आप को वो आपके माइंड में रखने के लिए मीन्स आप उन्हें हमेशा याद रहो रिमाइंड कराने के लिए जो ऐड आती हैं दैट इज़ रिमाइंडिंग एक्ट देन कुछ होती है इंफॉर्मेशन यानी कि जब नए नए स्टेज पे आप होते हो ना तो इन्फॉर्मेशन की ही ज़्यादा आपने नई नई ऑर्गेनाइजेशन खोली तो पहले सीधी ऐड तो इस चीज के लिए नहीं दे सकते ना आप रिमाइंड कराने के लिए दे रहे हो उन्हें कुछ पहले से पता होगा तभी तो वो रिमाइंड करेंगे तो सबसे पहले जो स्टेज होती है उस पर आप क्या करते हो इन्फॉर्मिंग एक्ट करते हो तो इन्फॉर्मिंग एक्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं जो नई नई स्टेब्लिश की हो कि वो अपने बारे में अवेयर कर रही हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं परसुवेडिंग एक्ट परसुएडिंग एक्ट का मतलब क्या है कि आप उन्हें परसुएड करते हो मनाते हो कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदें। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन रिमाइंड के लिए की जा सकती है इन्फॉर्मेशन के लिए की जा सकती है और परसुएशन के लिए भी की जा सकती है इट इज अयूमन स्किल कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है ह्यूमन स्किल है बिकॉज कम्युनिकेशन इज एसोशिएटेड बिटवीन वन इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पीपल तो ओव्वियसली किससे रिलेटेड है ह्यूमन स्किल से रिलेटेड है इट इज अ मार्केटिंग टूल हमने पहले ही देखा कि मार्केटिंग का टूल है फोर पी में से वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पी है और कस्टमर ओरिएटेड ये होता है सो दीज आर द नेचर ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन नाउ वट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कर रही है अपनी टारगेट ऑडियंस को अपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग अवेयर कर रही है तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं तो बेसिकली जो अब हमने डिस्कस किए थे वही हमारे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं जैसे कि पहला है लीड टू मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो क्या करती है कोई भी प्रोडक्ट बनाती है ये आपकी ऑडियंस है मान लो इन ऑडियंस का जो है बिहेवियर है कि इस तरीके का प्रोडक्ट उन्हें नहीं चाहिए उनको ऐसे की डिमांड ही नहीं है तो आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को इतना अट्रैक्टिव दिखा रहे हो उसके बारे में एक्चुअल में बता रहे हो कि ये जो आपने स्टीरियो या नेगेटिव एटीट्यूड बना रखा है वो सही नहीं है एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट काफ़ी यूज़फुल है काफ़ी अच्छा है आप उसे एक बार यूज़ करके देखो तो ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या कर रही है इनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर रही है चेंज कर रही है कि ना लेने से अब इनमें से कुछ क्या करेंगे बाय करना शुरू कर कर देंगे कि वो कहते हैं कि करके करके देखो, यूज़ कर देखो, तो इसका मतलब क्या? आपकी marketing communication किस पे फॉलो करती, करती है कि इंफॉर्मेशन को सप्लाई करने के लिए आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हो ऑब्जेक्टिव टू परसुएड उन्हें persuade करने के लिए कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करें देन ऑब्जेक्टिव टू रिमाइंड अपने प्रोडक्ट को हमेशा उनके माइंड में रखने के लिए आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर सकते हो या फिर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई ऑब्जेक्टिव मान लो आपने डिसाइड किया था कि इस मंथ में आपको अपनी सेल्स फाइव परसेंट इनक्रीज करनी ही करनी है तो ये आपका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए आप क्या करते हो मार्केटिंग कम्युनिकेशन करते हो नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन अगर आप लोगों को अवेयर कर रहे हो इन्फॉर्म कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसकी एडवर्टाइजिंग प्रमोशन कर रहे हो तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होंगी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ जाएगी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाएंगे उनको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज मिलेगी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे रिटेलर्स इंक्रीज हो जाएंगे जैसे ये एक ओन मेन ऑर्गेनाइजेशन मान लो ये पार्ले फैक्ट्री है तो अगर आपको पार्ले जी का बिस्किट खरीदना है तो क्या फैक्ट्री में जाके बिस्किट खरीदते हो नहीं आप तो शॉप्स से खरीदते हो ना तो इसका मतलब ये शॉप्स क्या हैं रिटेलर हैं और ये जो मेन फैक्ट्री इनको सप्लाई करती है तो अगर आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है तो पहले तीन शॉप के लोग ही आपसे पार्ले जी फैक्ट्री से आपको प्रोडक्ट लेते थे अब बिकॉज आपकी डिमांड बढ़ी तो और जो शॉप्स हैं वो भी आपसे क्या करेंगी परचेज करना शुरू कर देंगी तो इसका मतलब आपके रिटेलर्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे सेल्स इंक्रीज़ होगी ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो सेल्स भी इंक्रीज़ होगी जिससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा और कस्टमर का जो ग्रुप है वो इंक्रीज़ हो जाएगा यानी कि आपका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा नाउ मॉडल्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन के क्या क्या मॉडल हैं तो ये हमारे बेसिक मॉडल्स हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के ब्लैक बॉक्स एडास डैगमार आज इसमें से हम चार ही मॉडल डिस्कस करेंगे वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट इज ब्लैक बॉक्स मॉडल ब्लैक बॉक्स मॉडल क्या कहता है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन इन पाँच स्टेजेस की प्रोसेस है सबसे पहले हमारी क्या होती है मार्केटिंग स्टिमली की ये सारी चीज़ें जो आपका प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन यानी कि फोर पीज ऑफ मार्केटिंग क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट या तो आपका प्राइस बहुत कम है इसीलिए वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है आपका प्रोडक्ट काफी यूनिक है आप बहुत ईजिली कन्वीनियंटली अवेलेबल हो या बहुत अच्छा प्रमोशन आपने किया है किसी भी पे की वजह से क्या हो सकता है जो भी आपके चार पेज हैं उसकी वजह से कस्टमर क्या हो सकता, आपके हो सकता है आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट या अवेयर हो सकते हैं उसके अलावा क्या चीजें उन्हें अफेक्ट करती हैं इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर कि इकोनॉमिक का मतलब ये हमारी एनवायरनमेंट आ जाती है अब मान लो एक शॉप है जो प्लेस के फॉर्म में बहुत कन्वीनियंट है आपके घर से निकलते ही वो शॉप है तो आप वहीं से ज़्यादातर प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हो बट वो परचेज़ करोगे या नहीं उसे ये अदर स्टिमली भी अफेक्ट करती हैं वो क्या है कि क्या इकोनॉमिकली जहाँ जो यहाँ प्रोडक्ट मिलते हैं वो अफोर्डेबल हैं आपके लिए नहीं इकोनॉमिक है या नहीं जैसी टेक्नोलॉजी चाहिए वैसी है या नहीं क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है लगातार डेवलप हो रही है इवॉल्व हो रही है तो अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए नए प्रोडक्ट आ ही नहीं रहे जो ये शॉप है यहाँ पे सारे पुराने प्रोडक्ट हैं तो आप इसकी बजाय थोड़ी दूर है लेकिन पे सारे नए हैं उसी पे जाना पसंद करोगे तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कैसा है पॉलिटिकल फैक्टर कैसा है कल्चरल फैक्टर कैसा है कि ये आपके कल्चर से एसोसिएटेड है या नहीं या फिर इस जो शॉप है उसमें ऐसे काम होते हैं जो आपको लगता है कि आपके कल्चर के अगेंस्ट है वो कुछ ऐसा सामान बेच रहे हैं जो आपको लगता है कि सही नहीं है आपकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है तो आप दूसरी शॉप पे जाना पसंद करोगे तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपकी बाइंग बिहेवियर को इसके अलावा क्या अफेक्ट करता है बायर की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स उसका खुद का क्या कल्चर है उसकी पर्सनल थिंकिंग क्या है उसका सोसाइटी के अंदर वो कैसे देखता है सोशल फैक्टर क्या है वो किस एज का है अब आप देखना बच्चों की जो डिमांड होती है ना वो अलग तरीके की चीजों की होती हैं जब आप बड़े हो जाते हो तो आपकी डिमांड बदल जाती है क्योंकि आपकी मेचोरिटी आ जाती है तो आपकी एज आप एजुकेटेड कितने हो लिटरेसी है इलिटरेसी है किस जेंडर से हो ये सारी चीजें क्या करती हैं अफेक्ट करती हैं आपकी बाइंग को ये सारी चीजों को डिसाइड करने के बाद फाइनली आप डिसीजन प्रोसेस को फॉलो करते हो कि मान लो आपको कोई फोन खरीदना है तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि आपको फोन की जरूरत है फिर उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन देखोगे कि कितने तरीके के फ़ोन अवेलेबल हैं कौन कौन सी कंपनी के फ़ोन जो हैं मेरी सिटी में अवेलेबल हैं क्या क्या मैं ख़रीद सकती हूँ फिर जितने भी अल्टरनेटिव मेरे पास होंगे मान लो आपके पास आईफोन का अल्टरनेटिव है वीवो है ओप्पो है सैमसंग है और उनकी आप क्या करोगे स्टडी करोगे कि, कि किसके क्या बेनिफिट हैं किसके अंदर रैम ज़्यादा है किसके स्टोरेज कैमरा किसका क्या अच्छा है उसके बाद आप फाइनली परचेज डिसीज़न करोगे कि मुझे कौन सा ख़रीदना है उसको ख़रीदोगे और पोस्ट परचेज बिहेवियर यानी कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि मान लो आप सैमसंग का खरीद रहे हो तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और एक्चुअल है? है है, तो हो है, तो होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे लेना है किस ब्रांड का लेना है किससे लेना है डीलर कौन होगा किस टाइम में लूंगा और परचेज अमाउंट कितने पैसे में मुझे लेना है ये सारे डिसीजन लेते हैं सो so, इस तरीके से हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन होती है एज पर दी ब्लैक हमारी बाइंग प्रोसेस क्या है उसी को अलग फॉर्म में चेंज कर दिया है सो ए फॉर अटेंशन सबसे पहले आपको अटेंशन होती है कि नीड की रिकॉग्निशन होती है मुझे पर्टिकुलर कोई चीज चाहिए उसके बाद आप इंटरेस्ट देखते हो कि कौन कौन सी कंपनीज़ में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है कौन सी मैं खरीदना चाहता हूँ तो उसके रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो देन आप अपने डिज़ायर को बताते हो कि ये पर्टिकुलर मेरी सबसे फेवरेट है मेरी डिज़ायर है कि मैं चाहती हूँ मुझे आईफोन ही मिले या मुझे सैमसंग ही मिले तो उसके बेस पर आप इवेल्यूएट करते हो देन फाइनली आप एक्शन ले लेते हो कि मुझे तो यही वाला लेना है आपने सैमसंग खरीद लिया और फिर आप सेटिस्फेक्शन यानी कि पोस्ट परचेज आपका होता है कि किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी और क्या परफॉर्म किया एज़ पर दिस मॉडल नाउ हैरर ऑफ इफेक्ट मॉडल तो ये मॉडल क्या कहता है दी अल्टीमेट फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू हेल्प इन प्रोड्यूसिंग सेल्स बट ऑल एडवर्टाइजिंग कैन नॉट बी डिज़ाइन टू प्रोड्यूस इमीडिएट सेल्स कि एडवर्टाइजमेंट हम क्यों करते हैं आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो प्रमोशन कर रहे हो क्यों करते हो ताकि ऑब्वियसली उसकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाए ना मार्केट के अंदर अगर आपके जो जितने भी ऑडियंस है वो अवेयर होगी पब्लिक अवेयर होगी वो डिमांड करेगी तो उससे हम चाहते क्या हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट की सेल्स इंप्रूव हो जाए बट एडवर्टाइजमेंट सीधा सेल्स पे इमीडिएट सेल्स पे इंपैक्ट नहीं डालते होती ऐसा नहीं है आज आपने एडवर्टाइजमेंट की तो कल आपके शॉप के बाहर दो लोग खड़े होंगे कि हमें चाहिए चाहिए नहीं ऐसा नहीं होता टाइम लगती है तो इमीडिएट हमें रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करती ये हेरकी ऑफ इफेक्ट मॉडल बोलता है कि एडवर्टाइजमेंट क्या करती है लॉन्ग टर्म में हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती है और ये हेरकी के अंदर हैरकी यानी कि एक स्टेजेस तो इसके अंदर तीन कॉम्पोनेट है या तीन स्टेजेस आप बता सकते हो एज़ पर दिस मॉडल कि पहली स्टेज क्या होता है कॉग्नेटिव कॉग्नेटिव के अंदर आपको अवेयर करना होता है अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज देनी होती है फिर आता है अफेक्टिव जिसके अंदर आपने जो नॉलेज दी है उसके बेस पे जैसे आप कोई एड देखते हो किसी प्रोडक्ट के आपने ऐड देखी तो आप अपने लाइक डिसलाइक आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद आपकी क्या प्रेफरेंस है उसके बेस पे डिसाइड कर लेते हो कई बार आपको ऐड इतनी अच्छी लगती है और वो आपके लाइक में मतलब इतना ज्यादा पसंद आती है आपको कि आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको ये प्रोडक्ट लेना ही लेना है तो वो होता है आपका अफेक्टिव कि आप लाइक डिसलाइक की वजह से उसे क्या करते हो अफेक्ट करते हो उस पर डिसीजन लेते हो और फाइनली होता है कोनेटिव यानी कि जो आपने लाइक like किया डिसलाइक किया उसके बाद आपने फाइनल क्या एक्शन लेने का सोचा क्या डिसीजन किया तो मैं इसे इग्नोर कर दूंगा मुझे ये चाहिए ही नहीं क्योंकि वो आपके डिसलाइक्स में आती थी या फिर आपको वो इतनी पसंद थी आपकी प्रेफ्रेंसेज में इतनी थी कि आपने डिसीजन ले लिया कि मैं तो इसे बाय ही करूँगा सो ये हमारे क्या होते हैं तीन स्टेजेस इन हेर की मॉडल कोग्नेटिव अफेक्टिव एंड कोनेटिव नाउ फोर्थ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डैगमार मॉडल डैगमार मॉडल भी उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि एडवर्टाइजिंग क्या करती हैं लॉन्ग टर्म में हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं ये भी इस चीज़ को मानता है बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि आज आपने एडवर्टाइज की तो आज ही सब लोगों ने देख ली होगी उसमें टाइम लगता है सो so ये भी इस पर बिलीव करता है एंड इट इज़ रिलेटेड टू सेटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव इन सच अ वे अगेंस्ट विच एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस कैन बी ईजिली मेजर्ड ये किस चीज़ पर फोकस करता है कि एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव हमें ऐसे सेट करना चाहिए कि फाइनली जब हम एडवर्टाइजमेंट कर चुके हों तो हम उसे ईजिली क्या कर सकें इवेल्यूएट कर सकें फॉर एग्जाम्पल हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हम चाहते हैं कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट करें तो हमारी सेल्स 50 परसेंट डबल हो जाए तो देखो हमने इतने अच्छे से सेट किया है कि एडवर्टाइजमेंट के बाद कितनी सेल्स है अगर वो 50 परसेंट डबल हुई होगी इसका मतलब ऑब्जेक्टिव हमने अचीव किया अदरवाइज नहीं किया तो ये इसी चीज पर फोकस करती है कि एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से सेट करो कि इफेक्टिवनेस को अच्छे से मेजर किया जा सके और डेगमार्क की फुल फॉर्म क्या है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिज़ल्ट कि इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट के गोल को या ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करो कि आप मेज़र कर सको एडवर्टाइजिंग के रिज़ल्ट को इसकी स्टेजेस क्या हैं सबसे पहले अवेयरनेस कि अपने कंज्यूमर को अवेयर करो कि भाई हमारी भी कंपनी है हमारा भी ब्रांड एग्जिस्ट करता है फिर कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग अपने कस्टमर को उसके बारे में बताओ अवेयर करने के बाद उन्हें अंडरस्टैंड करवाओ कि आपका क्या प्रोडक्ट है वो कैसे यूज़ होता है क्या क्या उसके फ़ायदे हैं देन कन्विक्शन कन्विक्शन यानी कि परसुएशन परसुएशन मतलब उन्हें सब कुछ बताने अवेयर किया इन्फॉर्म किया अब उन्हें क्या करो परसुएड करो ताकि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदें आपने देखा हो अब तो वो इतना रहा नहीं बट पहले डोर टू डोर सेलिंग होती थी कई बार आपके घर पे लोग आ जाते थे किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए तो सबसे पहले तो क्या करते थे अपनी का नाम कि आपको आप इसे खरीदो भी क्योंकि उसने इतने फायदे बताए तो आपको परसुएड करने की कोशिश करते थे एंड लास्ट इज फाइनली क्या होता है एक्शन हमें लेना या नहीं लेना तो फाइनली कंज्यूमर को परचेज करने के लिए बोलना या फिर गेटिंग द कंज्यूमर टू एक्चुअली परचेज कि उसने परचेज किया या नहीं जो भी लास्ट में एक्शन हुआ दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ डैगमार मॉडल तो ये चार हमारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन के मॉडल हैं जो हमने डिस्कस किए नेक्स्ट में हम बाकी के बचे हुए मॉडल्स को डिस्कस करेंगे सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मैंशन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू कीप सपोर्टिंग